हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग हट करके है, क्योंकि गेट, नेट और नॉर्मल बीटेक बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे एग्जाम्स में आता है और कई बार आपके नॉर्मल जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इसको इस तरीके से पढ़ाऊं कि आप लोगों को ये अभी के अभी क्लास के दौरान ही याद हो जाए, तो प्रयास यही रहेगा। तो शुरुआत करते हैं एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हो गया चेंज। ठीक है, चेंज किस चीज़ का? यहाँ पे हम किस चीज़ के चेंज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्लांट का जो सेल है, प्लांट का जो डीएनए है, उसमें चेंज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्रो बैक्टीरियम क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो कुछ पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशन है एग्रो बैक्टीरियम के बारे में, और वो उसके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ट्रांसफ़र हो सकता है डीएनए, उसके पहले देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो एग्रो बैक्टीरियम के बारे में है। तो एग्रो बैक्टीरियम का पूरा नाम अगर देखें तो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस होता है। तो एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो है ये पूरा नाम है इसका, और ये एक डिजीज कॉज करवाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। अब ये क्राउन गॉल डिजीज में हो क्या रहा है, होता क्या है? बेसिकली क्राउन गॉल डिजीज में ट्यूमर डेवलप हो जाता है। ट्यूमर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लांट के अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाता है, इसी बीमारी को, इसी डिजीज को क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज बोला जाता है। और ये कहाँ पे जनरली देखी जाती है, किन प्लांट्स के अंदर? ज़्यादातर यू डाइकॉट्स के अंदर इसको देखा जाता है, यू डाइकॉट्स के अंदर, ठीक है। अब अगर एग्रो बैक्टीरियम के बारे में कुछ एक अगर उसके स्पेसिफिक फीचर के बारे में बात करें तो ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप एक बार जा करके ज़रूर देखें मेरे वीडियोस में। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतनी बात हो गई कि ग्राम नेगेटिव और बैक्टीरिया क्या होते हैं। एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बेसिकली एक एग्जाम्पल है उसका, और क्राउन गॉल डिजीज कॉज करवाता है, ठीक है। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये एक प्लांट है और यहाँ पे ये सॉइल है, यहाँ पे इसके रूट्स पाए जा रहे हैं, और किसी भी कारणवश क्या हुआ कि इस प्लांट के अंदर कोई भी वूंड हो गया या घाव हो गया, तो ये क्या होगा, सॉइल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, सपोज करिए ये सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो हैं ये इस जो वूंड है उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसके थ्रू इस प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, ठीक है जी, इस प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो यहीं से इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। एग्रो बैक्टीरियम इसी तरीके से इन्फेक्ट करता है और धीमे धीमे करके अपने जीन्स को या अपने डीएनए को प्लांट के डीएनए के अंदर इंसर्टेड इनटू प्लांट डीएनए। प्लांट के डीएनए में अपने डीएनए को इंसर्ट कर देता है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब जैसे जैसे प्लांट्स अपने प्रोडक्ट बनाएगा, अपने प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगा, वैसे वैसे इस एग्रो बैक्टीरियम के भी जीन्स की प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती चली जाएगी। और जब एग्रोबैक्टीरियम अपने मतलब के प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाएगा तो
वो कुछ इस तरीके के प्रोटीन्स होंगे कि इस बैक्टीरिया को, एग्रोबैक्टीरियम को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी वजह से एग्रोबैक्टीरियम बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करता है, और ये एग्रोबैक्टीरियम मल्टीप्लाई तो साथ में करता ही करता है, और इसके साथ साथ क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ये इंसर्ट करवाता है, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इस प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज करवा देते हैं, एक सेल से दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरीके से लगातार जो है वो सेल्स बनते चले जाते हैं। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी ट्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, और इससे ज़्यादा अभी बात करना की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि डीएनए कैसा होता है, या इसका जो एग्रोबैक्टीरियम होता है उसका डीएनए किस तरीके का होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मैंने इसका डीएनए बना रखा है एग्रोबैक्टीरियम का। अब ज़रा देखिए, इस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। क्या बोलिएगा इसको, TI प्लाज्मिड, इसको TI प्लाज्मिड बोला जाता है। और इस TI प्लाज्मिड की जो इंटायर जो कितना बड़ा है, ये 200 KB का होता है, 200 KB का होता है ये पूरा TI प्लाज्मिड। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस TI प्लाज्मिड के अंदर एक रीजन पाया जा रहा है जिसको TDNA रीजन बोलते हैं, जो कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये रीजन है इसको हम लोग TDNA रीजन बोलते हैं। और एक्चुअल में क्या होता है, यही TDNA रीजन रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर जाने के लिए, जो जो जा करके प्लांट के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही रीजन होता है, पूरा टीआई प्लाज्मिड नहीं होता है इंटीग्रेट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ओनली ओनली TDNA इंटीग्रेट्स, सिर्फ और सिर्फ TDNA इंटीग्रेट करेगा, बाकी TI प्लाज्मिड इंटीग्रेट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे और थोड़ी सी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन चीजें आती हैं जिससे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि TI प्लाज्मिड को एक बार समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले TI प्लाज्मिड को समझ लेते हैं। तो TI प्लाज्मिड के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, TDNA रीजन। तो सबसे पहली चीज क्या है, TDNA रीजन पाया जा रहा है यहाँ पे, TDNA रीजन। अब इस TDNA रीजन में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले क्या है, लेफ्ट बॉर्डर है, इसको मैं LB लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद ऑक्सिन सिंथेसिस के लिए जीन्स हैं, ऑक्सिन सिंथेसिस के लिए। इसके बाद क्या है, साइटोकाइनिन सिंथेसिस के लिए, साइटोकाइनिन सिंथेसिस के लिए। उसके बाद काहे के लिए है, ओपाइन, ओपाइन सिंथेसिस के लिए। उसके बाद राइट बॉर्डर है, उसके बाद क्या है जी, राइट बॉर्डर। तो अगर आपको अंदाजा होगा तो ये लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर जो है ये क्या होते हैं, ये 25-25 KB के सीक्वेंस होते हैं, 25 और ये भी 25। इसके अंदर ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन सिंथेसिस के जीन्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा और क्या चीजें पाई जा रही हैं, ये तो TDNA की बात हो गई। चलिए हम थोड़ा कलर चेंज कर ले, उसके बाद देखते हैं और बाकी चीजें क्या पाई जा रही हैं। दूसरी चीज क्या है, ओपाइन कैटाबॉलिज्म के लिए जीन है, ओपाइन कैटाबॉलिज्म। फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन पाया जा रहा है। फिर इसके बाद विरुलेंस रीजन के जीन्स हैं, विर जीन्स इनको बोला जाता है, विर जीन्स। और इसके बाद वापस टीआई प्लाज्मिड पहुंच जा रहा है। तो एक चीज आपको ये देखनी है कि ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, ये क्या है जी, ये आपका टीआई प्लाज्मिड के अंदर पाया जाए, पाया तो पूरा का पूरा टीआई प्लाज्मिड के अंदर है, लेकिन ये और स्पेसिफिक है, ये सारे का सारा रीजन TDNA के अंदर पाया जा रहा है, और ये रीजन आपका बाकी TDNA के अंदर नहीं पाया जा रहा, नॉट इन TDNA। तो कई बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओपाइन कैटाबॉलिज्म का जीन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म का जो ये जीन है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन
टीडीएनए रीजन, दिस इज प्रेजेंट इन टीआई प्लाज्मिड बट नॉट इन टीडीएनए रीजन, तो ये ध्यान रखिएगा ये इंटीग्रेट नहीं होगा जाकर के। तो चलिए इसके पीछे अब क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए टीडीएनए रीजन जो है ये क्या है, ये आपका इसके अंदर ऑक्सिन सिंथेसिस का भी जीन है और साइटोकाइनिन सिंथेसिस का भी जीन है। तो आपको पता होगा भाई कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रोल क्या होता है प्लांट में। जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने थोड़े सा टिश्यू कल्चर वगैरह के बारे में अगर आपको जानकारी है तो उसमें क्या होता है, अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो, अगर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो सेम हो जाता है तो कैलस फॉर्म में ही रह जाता है। और अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है जी, रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो कम हो जाता है तो शूट का फॉर्मेशन होने लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन का पाया जाना क्या दिखाता है कि बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाते रहना और सेल्स को बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करवाते रहना के लिए ही ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन्स जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी कि टीडीएनए जब प्लांट के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा तो खुद से ही ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को सिंथेसाइज करवाने लगेगा, जिससे कि प्लांट्स में बहुत तेजी के साथ डिवीजन होने लगेगा, एक से दो, दो से चार, इस तरीके से सेल्स जो है वो बनने लगेंगे। और जब सेल्स बनने लगेंगे तो और ज़्यादा सेल्स मतलब और ज़्यादा इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया और ज़्यादा सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है और मज़े में रह सकता है। तो बेसिक ये रीज़न है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन्स के प्रेजेंट होने का, और यही रीज़न है कि ये टीडीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जा करके न्यूक्लियस और जा करके प्लांट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। आइए अब बात करते हैं ओपाइन सिंथेसिस की। ओपाइन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओपाइन इज अ न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिएंट की तरीके से होता है जो कि इस बैक्टीरिया को चाहिए होता है। बैक्टीरिया इसी ओपाइन को कंज्यूम करके डेवलपमेंट करता है, ग्रो करता है। तो अगर ये ओपाइन टीडीएनए के अंदर पाया जाएगा, ओपाइन सिंथेसिस जीन, और ये टीडीएनए जब जाकर के प्लांट के डीएनए से इंटरैक्ट करेगा, जाके जुड़ जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे प्लांट के प्रोटीन्स बनेंगे, सिंथेसाइज होंगे, वैसे वैसे ओपिन भी सिंथेसाइज होगा। और ओपिन की सिंथेसिस से क्या होगा, ओपिन की सिंथेसिस से प्लांट जो है वो और जो बैक्टीरिया है उसको फूड मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, और वो और ज़्यादा तेजी के साथ मल्टीप्लाई करने लगेगा। तो ये ओपाइन सिंथेसिस का काम हो गया भाई। ये तो बात सिंथेसिस की हो गई, और ये उसके बाद राइट बॉर्डर अगेन, तो लेफ्ट बॉर्डर के तरीके से ये राइट बॉर्डर है। लेकिन ये ओपाइन सिंथेसिस आपने देखा, ओपाइन की कैटाबॉलिज्म का जो जीन है वो देखिए यहाँ पे पाया जा रहा है, यानी कि टीआई प्लाज्मिड के अंदर, टीडीएनए के अंदर नहीं पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको टीडीएनए के अंदर पहुँचाने का कोई वजह नहीं है, कैटाबॉलिज्म तो बैक्टीरिया कर रहा है ना। तो बैक्टीरिया आराम से इस ओपाइन जो सिंथेसाइज हुआ उसको आराम से यूज कर सकता है, कैटाबोलाइज करवा सकता है, इसीलिए ओपाइन कैटाबॉलिज्म का जीन बाहर प्रेजेंट रहता है, टीडीएनए के अंदर नहीं जाता। तो इतनी बात जरूर क्लियर हो गई होगी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम लोगों को बहुत पहले से समझाया जाता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या काम है, यहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, रेप्लिकेशन यहीं से शुरू होता है। तो ये इसी वजह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। और उसके बाद आए बात करते हैं विरुलेंस जीन की। तो विरुलेंस जीन सेट ऑफ जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं टी डीएनए को प्लांट के अंदर पहुंचाने के लिए। अब ये टी डीएनए तो है तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर है, उसको किसी तरीके से प्लांट के अंदर पहुंचाना पड़ेगा ना, अपने आप से उड़के तो जाएगा नहीं। तो इसलिए पहुंचाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, विरुलेंस जीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस विरुलेंस जीन्स कहाँ पाए जाएंगे, ये विरुलेंस रीजन के अंदर पाए जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो उम्मीद है कि इसका जो प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, इसके बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वो क्लियर हो गए तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, विरुलेंस जीन्स की। चलिए ये कुछ जो हम लोगों ने अभी विरुलेंस जीन्स के बारे में बात की थी या विर रीजन के बारे में बात की थी, तो उस विर रीजन के अंदर, उस विर रीजन के अंदर ये सारे विर जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ऐसे वे में पढ़ाऊंगा जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए इनके सारे फंक्शंस भी याद हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो विर ए की बात है,
फिर ए क्या करता है, ये एक रिसेप्टर है जो कि एक्सेप्ट करेगा किस चीज को, जब प्लांट को प्लांट में कोई वूंड हो जाता है, घाव हो जाता है, तो क्या होता है कि प्लांट जो है वो फिनोलिक कंपाउंड्स को सिक्रीट करने लगता है या सिंथेसाइज करने लगता है। अब ये फिनोलिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉइल के अंदर सिक्रीट होते हैं। अब सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया भी है, तो बैक्टीरिया के अंदर कोई चीज ऐसी होनी चाहिए ना जो इस फिनोलिक कंपाउंड को एक्सेप्ट कर सके, फिनोलिक कंपाउंड को रिसीव कर सके, तो वही है विर ए। विर ए क्या करेगा, फिनोलिक कंपाउंड को एक्सेप्ट कर लेता है इसको, तो ये मतलब इससे क्या होगा, फिनोलिक कंपाउंड से एक्टिवेट हो जाएगा ये, और एक्टिवेट होने के बाद ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाएगा। ऑटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब समझ में आ रहा है, खुद को ही फॉस्फोराइलेट कर लेगा, और उसके बाद खुद को फॉस्फोराइलेट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, विर जी को फॉस्फोराइलेट कर देगा। फिर आते हैं विर जी के ऊपर। विर जी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये बाकी विरुलेंस जीन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। विर डी टू के ऊपर आते हैं। विर डी टू क्या करता है, इट इज एन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस की तरीके से काम करेगा। अब एंडोन्यूक्लियस आपको पता ही है, जो एक डीएनए को उसके बीच से काट दे उसको एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। और ये कहाँ से काटता है, राइट बॉर्डर से काटता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा भी था ना, राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर पे ये एंडोन्यूक्लियस को काट देगा, और वहां से काटने के बाद जो फिर आता है काम डी वन का। डी वन जो है वो टोपो आइसोमरेज की तरीके से काम करता है, या एक स्ट्रेस रिलीवर की तरीके से, स्ट्रेस रिलीवर की तरीके से काम करता है। आपको पता ही है टोपो आइसोमरेज का फंक्शन क्या होता है, कि जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीव कर देता है, तो टोपो आइसोमरेज का काम ये हो गया। अब आते हैं विर डी फोर में। डी फोर की बात करें तो विर डी फोर जो है वो ट्रांसलोकेशन में इसका यूज होता है, और साथ ही साथ ही एटीपी डिपेंडेंट फंक्शन शो करता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब भाई डीएनए को आपको बैक्टीरिया से प्लांट के अंदर ले जाना है ना, तो इसीलिए ट्रांसलोकेशन में काम किसका है, डी फोर का है। फिर आइए विर सी का काम देखते हैं। विर सी बेसिकली यूज होता है हाई एफिशिएंसी टी स्ट्रैंड सिंथेसिस के लिए। अब टी स्ट्रैंड को आपको बहुत तेजी के साथ सिंथेसाइज करना पड़ेगा, तभी तो उसको आप ट्रांसफर कर पाएंगे ना, तभी तो आप उसको बैक्टीरिया से प्लांट के अंदर पहुंचा पाएंगे, तो इसीलिए ये सिंथेसाइज करवा देता है, बहुत तेजी के साथ सिंथेसिस करवाता है आपका विर सी। उसके बाद बात करते हैं विर ई टू की। विर ई टू क्या करना है जी इसको, विर ई टू जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है न्यूक्लियस से। विर ई वन चैपरोन होता है और विर ई टू की हेल्प करता है। और फाइनली विर बी और विर डी फोर जो है वो एक सिक्रीशन सिस्टम बनाते हैं, जिसको टाइप फोर सिक्रीशन सिस्टम बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर डीएनए पहुंचाने में फ्रॉम द बैक्टीरिया। अब इसको थोड़ा अपनी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसको आपको मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से भी समझ में आ जाएगा, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों को देखनी है वो इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही हैं। तो चलिए, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने शुरू किया, बात शुरू की कि प्लांट है, सपोज करिए ये एक प्लांट था, प्लांट है, और इस प्लांट में, ये प्लांट है, और इस प्लांट में क्या हुआ, इस प्लांट में यहाँ पे वूंड हो गया। क्या हो गया, वूंड हो गया। अब वूंड से क्या है, यहाँ से अब एसिटो सिरिंजोन नाम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉइल के अंदर आ जाएंगे। और याद रखिएगा ये एसिटो सिरिंजोन जो है ये फिनोलिक कंपाउंड है, दिस इज अ फिनोलिक, फिनोलिक इन नेचर है, फिनोलिक कंपाउंड है। अब ये एसिटो सिरिंजोन पहुंच जाएगा कहाँ, सॉइल के अंदर घूमते घूमते पहुंच जाएगा कहाँ पे, ये जो बैक्टीरिया जो पाए जा रहे थे, जो बैक्टीरिया पाए जा रहे थे उनके सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगा। अब मैंने जैसा बताया कि बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ होना चाहिए ना, अब ये बैक्टीरिया है, सपोज करिए इस बैक्टीरिया के सरफेस पे या रिसीव करने के लिए कोई एक रिसेप्टर होना चाहिए, या जो एक्टिवेट होगा इस एसिटिल सिरिंजोन की वजह से। तो अब सपोज करिए यहाँ पे हमने एक एक्टिवेटर बना दिया, एक रिसेप्टर बना दिया है जो कि इसको एसिटिल सिरिंजोन को रिसीव करेगा। ये एक्टिवेटर क्या हो गया जी, ये एक्टिवेटर है हमारा विर ए। ये विर ए क्या रिसीव क्या करेगा जी, ये रिसीव कर लेगा, और रिसीव करने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा।
रिसीव करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये एक्टिवेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये एक्टिवेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो वीर जी होता है खुद एक्टिवेट कैसे होगा जी, ऑटो फॉस्फोराइलेट कर लेता है, ऑटो फॉस्फोराइलेट का क्या मतलब हो गया, खुद को फॉस्फोराइलेट कर लेगा। आपने देखा भी होगा सेल सिग्नलिंग में क्या होता है, ये दो ऐसे एंजाइम्स हैं, ये एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर लेते हैं, तो क्या होता है खुद सी को ऑटो फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। तो ये खुद को ऑटो फॉस्फोराइलेट करने के बाद क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में वीर जी को एक्टिवेट करेगा। अब आपको पता है वीर जी जो है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरीके से काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरीके से काम करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, बाकी जो वीर जी हैं उनको एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट्स अदर वीर जीन्स, जो बाकी वीर जीन्स बचे हुए हैं उनको भी एक्टिवेट करने का यहाँ पे काम करने लगेगा, ठीक है जी। चलिए ये बात समझ में आ गई, अब बाकी वीर जीन्स को एक्टिवेट करने का काम शुरू, ठीक। तो ए हो गया, जी हो गया, अब बात करनी है किसकी, अब बात करनी है हमको सी की। जो सी है याद करिए, अभी अभी हम लोगों ने उसके बारे में भी बात की थी कि सी क्या करता है। सी जो है वीर सी जो है, अब यहाँ पे वीर सी का काम शुरू हो जाएगा। वीर सी जो है ये क्या करेगा, प्लाज्मिड में, ये प्लाज्मिड था, ये आपका प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड में एक रीजन पाया जाता है, ओवरड्राइव सीक्वेंस बोलते हैं उसको, वीर सी ओवरड्राइव सीक्वेंस पाया जाता है इस प्लाज्मिड के अंदर, एक्चुअली टी डीएनए के पास में ही पाया जाता है ओवरड्राइव सीक्वेंस, ओवरड्राइव सीक्वेंस। अब इस ओवरड्राइव सीक्वेंस पे वीर सी बाइंड करता है और उसके बाद टी डीएनए की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, ठीक है जी। वीर सी का क्या काम है, फिर से एक बार समझते हैं। वीर सी ये आपका टी डीएनए का रीजन था, यहाँ से यहाँ तक टी डीएनए का रीजन था। अब इस टी डीएनए के रीजन के पास में ही यहाँ पे एक ओवरड्राइव सीक्वेंस पाया जाता है, वीर सी जा करके उस ओवरड्राइव सीक्वेंस पे बाइंड करता है और इस टी डीएनए की सिंथेसिस को मैनी फोल्ड इंक्रीज करवा देता है। भाई क्यों इंक्रीज करवा देगा, क्योंकि यही टी डीएनए तो ट्रांसफर होगा ना प्लांट के अंदर, तो इसका मैनी फोल्ड इंक्रीज करवा दिया टी डीएनए को। चलिए यहाँ भी ये भी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वीर सी ने अपना काम कर दिया, अब बात आती है किसके ऊपर, वीर डी टू के ऊपर। नेक्स्ट काम किसका है, वीर डी टू का काम है। अब आपको पता ही है वीर डी टू के बारे में मैंने डिटेल में बताया भी था कि इस टी डी एन ए के, ये अगर टी डी एन ए है इस तरीके का, अगर इस टी डी एन ए को मैंने बनाया, ये टी डी एन ए क्या है, यहाँ पे इसका लेफ्ट बॉर्डर है और यहाँ पे इसका राइट बॉर्डर है, टी डी एन ए का लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। अब जो डी टू है वो एंडो न्यूक्लियस की तरीके से काम करता है, आपको पता ही है एंडो न्यूक्लियस की तरीके से काम करता है। अब वीर डू डी टू जा करके एंडो न्यूक्लियस की तरीके से काम करता है, जा करके राइट बॉर्डर पे अटैच होगा और उसको यहाँ से तोड़ देगा, राइट बॉर्डर पे अटैच होगा और उसको तोड़ देगा। तो अब ये क्या हो जाएगा जी, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के तरीके से बन जाएगा, ठीक है जी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ये 5' एंड है, ये यानी कि 3' एंड है, और ये आपका राइट बॉर्डर था, ये लेफ्ट बॉर्डर था, ये आपका टी डीएनए हो गया और इससे जुड़ा हुआ आपका हो गया क्या, वीर डी टू। यहाँ पे सपोज करिए क्या हो गया, मेरा वीर डी टू यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वीर डी टू के साथ वीर डी वन भी अपना काम करेगा। वीर डी वन का क्या काम था, ये ओटोपो आइसोमरेज की तरीके से काम करता है, टोपो आइसोमरेज क्या करता है, बेसिकली स्ट्रेस रिलीवर होता है और वीर डी वन का सपोर्ट करने लगता है, वीर डी टू का सपोर्ट करता है। तो इन दोनों का ही काम क्या है, एफिशिएंटली टी डीएनए को बाहर निकालना और स्ट्रेस को रिलीव कर देना, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब अगर हम लोग इसको यहाँ से इस तरीके से बांट दें कि ये हमारा इस तरीके से अगर हम इस पेज को डिवाइड कर दें, तो ये जो हमारा है ये बैक्टीरिया का हिस्सा है, ये वाला दिस इज आवर बैक्टीरिया, ये पूरा बैक्टीरिया का हिस्सा है और ये प्लांट का हिस्सा है,
ठीक है जी। तो अब प्लांट के अंदर हमें अपना डीएनए पहुंचाना भी तो है, प्लांट के अंदर अपना डीएनए पहुंचाना भी है, तो पहुंचाइएगा कैसे? अब प्लांट के अंदर पहुंचाने के लिए हमें एक सिक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, एक सपोज करिए एक चैनल की ज़रूरत पड़ती है। ये चैनल सपोज करिए ये बन गया इस तरीके का। अब ये चैनल बनाएगा कौन? इसी चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चैनल को बोला जाता है टाइप 4 सिक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलिएगा? टाइप 4 सिक्रीटरी सिस्टम। इस टाइप 4 सिक्रीटरी सिस्टम को बनाएगा कौन? टाइप 4 सिक्रीटरी सिस्टम को बनाने वाले हैं वीर बी एंड इसके साथ ही साथ कौन बनाता है? वीर डी फोर। तो हमने D1 और D2 की कहानी यहाँ पे देख ली थी। D4 और देख लीजिए, वीर बी हो गया और वीर D4 हो गया, उन्होंने ये टाइप 4 सिक्रीटरी सिस्टम बना दिया। अब टाइप 4 सिक्रीटरी सिस्टम बनने के बाद क्या करना है? वापस हमें अपने डीएनए को इस तरफ पहुंचाना है या बाहर निकालना है। अब इसको बाहर यहाँ से निकाल लीजिए और यहाँ पे डीएनए के प्लांट के अंदर पहुंचा दीजिए। अब प्लांट के अंदर ये आ गया, प्लांट के अंदर रीच्ड प्लांट से ये जो हमारा डीएनए था ये यहाँ पे आ गया है। ये 5' एंड हो गया, ये 3' एंड हो गया। कौन कौन जुड़ा हुआ है जी? यहाँ पे वीर D1 जुड़ा हुआ है, वीर D2 जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इसके वीर D1 भी जुड़ा हुआ था, वीर D1 जुड़ा हुआ था। और इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है? हमें अपना ये इसकी यहाँ पे, अब देखिए प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे होंगे, है ना? प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे होंगे जिनसे अपने सेल को बचाना है, ठीक है? तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे देखा भी था कि E1 और E2 का रोल। अब देखिए E2 क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस अटैक से, और E1 चैपरोन की तरीके से एक्ट करता है। अगेन उसका भी काम एक तरीके से यही है कि स्टेबलाइज करना। तो वीर E2 और वीर E1 भी यहाँ पे आकर के बाइंड कर जाएंगे। वीर E2 सपोज करिए ये इस तरीके से इसको कवर कर लेते हैं कि ये टूटेगा नहीं। वीर E2 ने क्या किया? इसको आकर के कवर कर लिया। और वीर E1 क्या करेगा? एज अ चैपरॉन काम करेगा। वीर E1 चैपरॉन की तरीके से, ठीक। चैपरॉन बेसिकली डीएनए को बचा करके रखते हैं। एक आपको पता ही होगा उनका जो नेचुरल फंक्शन होता है वो हीट शॉक प्रोटीन की तरीके से काम करते हैं। तो वीर E2 और वीर E1 के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है? तो इतनी चीज़ ज़रूर समझ में आ गई होगी कि साइटोसॉल में किस तरीके से ये जो डीएनए है वो बच जाता है। साइटोसॉल में आपको पता ही है न्यूक्लियस अटैक होता है, इसीलिए इसको बचाने की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है? अब ज़रा समझने का प्रयास करिए कि हमें न्यूक्लियस के अंदर अरेंज करना है ना। अब प्लांट तो ये है, प्लांट का डीएनए कहाँ है? अब ये सपोज करिए ये प्लांट का न्यूक्लियस है। ये क्या है जी? ये न्यूक्लियस है, प्लांट का न्यूक्लियस है। अब इस प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर प्लांट का डीएनए होगा। सपोज करिए ये प्लांट का डीएनए है। अब आपको जब तब तक आपका काम नहीं होगा जब तक ये आपका ये वाला जो डीएनए है एग्रोबैक्टीरियम का टीडीएनए है वो प्लांट के अंदर यहाँ ना चला जाए और इंटीग्रेट ना हो जाए तब जब तक की जाके यहाँ पे। तो इस इंटीग्रेशन के लिए हमारे D2 और E2 दोनों के पास, या D2 की बात अगर करें तो D2 ज़्यादा प्रोसाइसली उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, NLS बोलते हैं, न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल। अब न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल क्या होता है? एक तरीके का टिकट जैसा होता है। अगर आपके पास ये टिकट है तभी आप न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इस D2 के पास ये चीज़ होती है, तो क्या होगा? ये D2 जा करके आराम से इस डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर जाएगा। अब इस डीएनए के अंदर अगर अपन लोग इंटीग्रेट करवा दें इसको इस तरीके से, या मान लीजिए यहाँ पे जा करके इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट इंटीग्रेट हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अकेले अपने आप नहीं होगा। इंटीग्रेशन करवाने के लिए एक और वीर जीन की जरूरत पड़ती है, वो है वीर F। तो वीर F की जरूरत इंटीग्रेशन के लिए पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक और विरुलेंस जीन है जिसका नाम होता है वीर H। एक और विरुलेंस जीन है जिसका नाम है वीर H, बट उसका फंक्शन अननोन है, फंक्शन अभी उसका अंदाजा नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि आपका क्लियर
क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए ही जाता है प्लांट सेल के अंदर, और 5' एंड जो है वो पहले एंटर करता है। E2 और E1 का भी फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, तो एक बार फिर से जरा सा पूरा एक बार रिवीजन इसको कर लेते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले प्लांट जो है उसको वूंड लगा, और वूंड लगने के बाद उसने एसिटोसिरिंजोन नाम के कंपाउंड का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, एसिटोसिरिंजोन नाम का कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज होता है। उस सिंथेसिस के बाद प्लांट जो बैक्टीरिया के पास ये एसिटोसिरिंजीन पहुँचता है, और उसके बाद इसको रिसीव कौन करता है, वेर ए, और खुद को ऑटोफॉस्फोराइलेट करेगा जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाएगा। फिर वो वेर जी को एक्टिवेट करेगा, वेर जी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरीके से काम करेगा और बाकी सारे वेर जीन्स को एक्टिवेट करेगा, जिसमें सबसे पहले वेर सी आएगा जो ओवर ड्राइव सीक्वेंस से बाइंड करके टी डीएनए की सिंथेसिस को बहुत बहुत इंक्रीज कर देगा। ध्यान रखिएगा ये टी डीएनए जो यहाँ पे है ये डबल स्टैंडर्ड होगा, और इसमें से केवल एक ही स्ट्रैंड निकल करके बाहर जाता है, तो प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने सिंगल बनाया है यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरीके का कुछ हो गया, वेरसीन ओवर ड्राइव सीक्वेंस से बाइंड किया, सिंथेसिस बहुत तेज़ी से बढ़ गई, वेर डी टू आया, उसने आर बी राइट बॉर्डर में बाइंड किया, और उसके बाद एंडोन्यूक्लियस के तरीके से एक्टिवेट किया, एक्टिविटी हुई, और वेर डी वन और डी टू, डी वन जो था वो टोपोइसोमरेज के तरीके से एक्टिविटी की, और उसके बाद टाइप फोर सेक्रेटरी सिस्टम बन गया, बनाया किसने, वेर बी एंड वेर डी फोर ने, और सीधे सीधे कहाँ पहुँच गए, वो लोग पहुँच गए अब आपके प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस से बचाना था, किसने बचाया, E1 और E2 ने, और उसके बाद D2 जो है उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल था, और वेर एफ की मदद से जा करके इंटीग्रेशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यही पूरा पूरा कुल मिला करके मोर और लेस आपका किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है जीन का, ये हम लोगों ने देख लिया। इसको उसमें अगर आप इसको कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इसको याद भी करना चाहते हैं तो याद करने का भी एक तरीका आसान सा है, इसको किस तरीके से अगर आप देखें तो याद कर सकते हैं, एक कोड जैसा समझ लीजिए इसको, कोड की तरीके से याद करेंगे तो बेहतर ढंग से याद हो जाएगा। ज़रा देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ए का क्या काम है, अगर शुरुआत कहाँ से हुई, ए से हुई, ए किस तरीके से काम कर रहा है जी, ए एसिड ऑटो फॉस्फोराइलेशन के तौर पे भी इसको याद कर सकते हैं, ऑटो फॉस्फोराइलेशन के तरीके से भी याद कर सकते हैं, एसिटो सिरिंजोन के तौर पे भी इसको याद कर सकते हैं। तो ये दोनों काम कौन करता है, वेर ए करता है। फिर नेक्स्ट कौन आया, वेर जी आया, जी क्या करेगा जी, ये बाकी जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, जीन एक्टिवेशन के तरीके से काम करता है, विद जी फॉर जीन एक्टिवेशन, ए फॉर ऑटोफॉस्फोराइलेशन एसिटो सिरिंजोन। फिर जी के बाद सी आ गया, सी क्या है जी, सी आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है किस तरीके से, आपके ओवरड्राइव सीक्वेंस पे बाइंड करने के बाद सिंथेसिस बढ़ा देता है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सी के बाद आ जाता है डी, डी क्या करता है, आपको पता है डी वन डी टू हमने देखा भी था, डी टू एंडोन्यूक्लियस की तरीके से काम करता है, तो इसको हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं, डाइजेशन करवा देता है, डाइजेशन करवा देता है। फिर आइए बात करते हैं ई की, ई क्या करता है, इसको ले जाता है आपको E1 और E2 के बारे में मैंने बताया भी था, एस्कॉर्ट करने का काम था, बचा करके लेके जाना था, किससे बचाना था, न्यूक्लियेजेस से। और फिर फाइनली जो वेर बी और डी फोर आपने यहाँ पे देखा था, बी जो है वो एज अ ब्रिज काम करता है प्लांट और जो एग्रोबैक्टीरियम के बीच में, एज अ ब्रिज काम करता है। और इसमें जो वेर एफ है आपको पता ही है, वेर जो एफ है वो क्या करता है, जा करके इंटीग्रेशन करवाने में हेल्प कर देता है। तो कुल मिलाकर के इतनी बात थी, वेर एच का फंक्शन अभी नोन नहीं है, तो इस कोड या ट्रिक से आप इजीली लर्न भी कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन किया। मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट लेक्चर था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़िए और टेस्ट एग्ज़ाम्स देते रहिए। अगर आपको क्लासेस चाहिए गेट और नेट के लिए तो भी आप उसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।